तो खजूर खाने में कौन कौन सा अच्छा लगता है? खजूर यही खाने में अच्छा लगता है, सुखाड़ी है, इसके बाद जो है अच्छा, सुकरी और शुकरी है, सगाई। सगाई है, अच्छा ये अच्छा सब खाने में अच्छा है, मतलब लगता है तो खाने कहाँ में। से हैं आप? हम यूपी से हैं, आजमगढ़ से। आजमगढ़, यूपी है। जी तो क्या कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स लोग उनको? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सऊदी में आओ तो मतलब कि ये मत सोच के आओ कि मुझे अच्छा काम मिलेगा, ऑफिस में बैठना मिलेगा, छाँव में मिलेगा। यहाँ पे बहुत से काम हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, आदमी करने वाला रहेगा तो कर लेगा। अच्छा, फिलहाल सऊदी में आओ तो एक लक्ष्य बना के आओ कि हाँ चल के कमाना है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी कहीं पे भी जाए तो डायरेक्ट ऑफिस से जाए, दलाल के माध्यम से ना लगाए पासपोर्ट। तो वहाँ वो यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वहाँ जाए तो जानकारी करके आए और पता करके आए हैं। जी, वहाँ पे जाए, जानकारी करके आए, पता करके आए और सावधानी से आए। अच्छा, तो तुम कितना पैसा लगा के आए थे? मेरा 50,000 रुपया लग गया था, अच्छा, ओनली 50,000 रुपया, मेडिकल वेडिकल लेके। अच्छा, तो किसी का बताइए, किसी का 1 लाख रुपया, किसी का 80,000, किसी को पचास हाँ, हज़ार अभी का एजेंट केस। फंसा लेता है तो उसको 1 लाख पे, तो 1 लाख 10 हज़ार। एजेंट को क्या कहना चाहते हो इस? एजेंट को यही कहना चाहता हूँ कि आदमी लोग को फंसाए ना, उनको जो बताना हो वो सीरियसली बताए कि ये काम करना है, इतनी सैलरी है, इतने दिन का काम है, क्योंकि एजेंट लोग बहुत ज़्यादा फंसाते हैं। एजेंट लोग से सतर्क रहें और सावधान रहें, अच्छा, डायरेक्टली ऑफिस से आएँ। अच्छा ऑफिस से आए, या तो एजेंट द्वारा आते हैं तो एजेंट से पूरे तुड़ताबड़ करके आए अपना कि इतने दिन का हाँ, वीज़ा है, इतना पैसा लगता सब है। बात क्लियर कर लें और उससे। टूर्स वीज़ा में तो पहले भाई लोगों को बता दो, टूर्स वीज़े का पैसा नहीं लगता है पैसा, वही टिकट तुम्हारा पैसा लगेगा जो 10-15 हज़ार जी, लगेगा वही पैसा लगता है। लेकिन ये एजेंट लोग जो अब मैं वीडियो के माध्यम से नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन बेवकूफ़ बना देते आदमी को और जो नहीं जानता उसको फंसा लेते हैं जाल में, और जी बस वही चीज़ है। तो मैं आप लोगों से दारदार यही अपील करता हूँ कि एजेंट द्वारा आना तो एजेंट से पूरा ताकीर करके, पूरा चेक वेक करके आप लोग आइए। और टूर्स वीज़ा में आ रहा है तो टूर्स वीज़ा का जो नाम ले छा मैंने पहले उसको वीज़ा का चेक कीजिए कि वीज़ा 6 महीना का है कि 2 साल का है, तभी उस हिसाब से उसको पैसा दीजिए। अगर 6 महीना का वीज़ा है तो उसको 20,000 के ऊपर ना दीजिए, मेरा यही दारदार आप लोगों से कहना है। और इधर बहुत जो है अच्छा आदमी कपिल मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना तो बहुत परेशान कर देते बहुत हैं, परेशानी होती है। हैं? तो ये चीज़ है। और एक भाई वो उधर बैठे हैं हमारे, वो उधर देखो, और सब ये लोग काम करने वाले हैं जो सब आजाद पे आते हैं, टूर्स वीज़ा पे आते हैं, अभी लोग परेशान रहते हैं, सैलरी भी 1,000 पे आते हैं और उधर से एजेंट लोग फंसा देते, सैलरी इतनी मिलेगी उतनी मिलेगी, दुनियादारी बताते रहते हैं। और ये सब मजरा का काम है, ये खजूर का सब जितना है देखो आजू बाजू में सब ये खजूरे का बाग पूरा ही। ये जितना है ये पूरा है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग का जो मुदीर है और जो मुराकिब है वो अच्छा मिल गया, इसीलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मुदीर तो कोई परेशान नहीं कोई करता? नहीं परेशान करता, ना मुदीर ना मुराकिब, हम लोग का सब दोनों अच्छे हैं और ड्यूटी भी सही है, काम भी सही करते हैं, तो उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है फिलहाल। लेकिन दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत गिरगिर होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा समझ के आए और अच्छे से आए काम करने के लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। अच्छा चलो, तो हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो? मैं आपके व्यूवर्स से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे कांता भाई को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, और हर चैनल, हर इनका चैनल जो है, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम या तो इंस्टाग्राम, फेसबुक। मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम कामता ऑफिशियल है, और फेसबुक कामता प्रसाद के नाम से, और यूट्यूब चैनल का नाम तो आप तो देख ही रहे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा शेयर ज़्यादा, करें ज़्यादा ज़्यादा, और और डिस्क्रिप्शन में नाम आपको मैं सब लिंक दे देगा आपको, और ज़्यादा ज़्यादा भाई लोगों का आपका भी कुछ फिर इंस्टाग्राम है? हाँ, मेरा इंस्टाग्राम है अमित राज भर एडवोकेट से जो है, अच्छा, उसको देखते रहें। फिर फिलहाल ये जो है क्या नाम से कि कांता भाई को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और सपोर्ट करें, क्योंकि अच्छी अच्छी न्यूज़ और अच्छी अच्छी बातें इनके भाई। न्यूज़ में दिया जाता है, और इसको हरदम चेक करते रहें। और देखो भाई, मैं जितने सऊदी के जो लोग आते हैं काम करने, ये मजरे में खजूर के पैकिंग में जो एजेंट लोग बता के आते हैं भेजते हैं, मैं दार दार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आदमी फंस के आते हैं, मैं इसीलिए वीडियो बना बना के आप लोगों तक पहुँचाता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मेरे ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों यारों के साथ, भाई
पापों के लग की जो फंस के ना आए आदमी, गरीब आदमी। हम लोग जानते हैं कि उधर से आदमी आता है जब इंडिया से तो क्या मुश्किल से पैसा दे के आता, क्या क्या करके आता वो हमको पता, क्योंकि हम भी आए थे तो हम भी जानते। लेकिन हमारा तो दो साल का एग्रीमेंट था, लेकिन हमारा तो अब लाइफ टाइम है, जब तक करेंगे, जब तक अपना दिल करेगा रहेंगे रहेंगे, वरना खुरूच लगा चले जाएंगे। लेकिन इन लोगों को है एजेंट बोलता है दो साल का, लेकिन फंसा फंसा के इन लोगों को भेज देते हैं और पैसा भी बहुत ले लेते हैं। तो मैं आधारदार एजेंट लोगों से यही कहना चाहता हूँ, किसी गरीब आदमी को मत फंसाइए, धार धार मैं बोलता हूँ। और मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा। बस और आगे आखिरी क्या कहना चाहते हैं? बस यही मैं आखिरी बार कहना चाहता हूँ कि इस चैनल पे कांता के जी के चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और इस चीज़ को समझें। इसमें जानकारी के अलावा कोई फालतू चीज़ नहीं है, जो भी कहा जाता है सच कहा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जाता है। और इसको समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, सब्सक्राइब करने को बोलें, चैनल को लाइक करने को बोलें। यही मेरा बस आखिरी और लास्ट। तो चलो फिर दोस्तों गाइस लोग, आपसे फिर कोई ऐसे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट कोई वीडियो में आप लोगों को फिर कोई न्यूज दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।